सियासत में एक नया बदलाव लाने, सियासत कारण जान गलत खत, बाकी कोई मेरा रोल मॉडल नहीं। आग लगाने के लिए एक माचिस की तीसरी नौबत नहीं आती कि जबरानदार सियासत। मैं सल्यूट करता हूँ शेख अब्दुल्ला, काम तो हम फलाह और बहबूदी के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हम एक ऐसे आइकॉन से बात करने जा रहे हैं जिनको आपने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखा तो होगा, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मेरी मुराद जो यूथ आइकॉन हैं, जी हाँ, जिब्रान डार। जिब्रान साहब, एशियन मेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया कि एक युवा को आपने जिस तरह से पेश किया और बाकियों को भी जो पुराने हमारे सियासतदान थे, इसी तरह से अगर वो हमारे युवा फौज को आगे करते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि जिब्रान डार सियासत में आते। मैकेनिकल इंजीनियर जी, पॉलिटिक्स कॉम्बिनेशन, कहते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियर कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो पॉलिटिक्स तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैकेनिकी है कैंच करे तो माशाल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ अलहमदिल्ला अल्लाह ताला का कि तमि दुत में योकुन जहन तो दग दुत नम सियासतस मज सियासत कारण छन गलत कत कि सियासत का खास वजह नहीं, बस यही है लोगों की सफरिंग्स को देखा, कोई नहीं था रिप्रेजेंट करने वाला, चाहे वो असेंबली हो, मेयर की जगह पे हो या पार्लियामेंट में हो। मैं बात शुरू रखा, अगर तुम आवाम उसका बात, इंस्पायर किसने किया, कोई तो होगा ना जिसने आपको इंस्पायर किया। आई गॉट इंस्पायर टू कम इन टू पॉलिटिक्स बाई सीइंग द सफरिंग्स ऑफ माई पीपल, बाकी कोई मेरा रोल मॉडल नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी के रास्ते को फॉलो करता हूँ। हाँ, अगर आप इंस्पिरेशन की बात करेंगे, अशु अंदरीसु इखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो भी काम करते थे ना, वहां भी फलाह और बहबूदी के लिए और पैगाम देते थे बाकी हर जगहों पे, उनमें भी एक मैसेज होती थी। अगर मैं अब, ये तो सियासत है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, अदरवाइज काम तो हम फलाह और बहबूदी के लिए, कोई किसी चीज को स्प्रेड कर रहे हैं, बट वी स्प्रेड पॉजिटिविटी। अक्सर कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। जी, पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम, पॉलिटिशियंस आर डर्टी। अच्छा, पॉलिटिशियंस आर, यस, पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम। देन इफ वी सी, हर किसी जगह में कुछ ना कुछ गंदगी आलूदगी होती है। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ गुड थिंग, बट पॉलिटिशियंस हैव मेड इट डर्टी। जब आप पॉलिटिक्स में आए तो आपने कुछ सर्वे वगैरह किया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किन से मिलना है, अपने जो लाइक माइंडेड है वो कैसे तलाश करने हैं? ना, नफर तमा है कि इनकलाबियत साफ कत सियासत आउस, एक जगह आग लगाने के लिए एक माचिस की तीली काफी है, चिंगारी काफी है। जी, जी, जी। तो सियासत में एक नया बदलाव लाने के लिए एक आदमी का इनकलाब ही काफी है, वो सहलाब है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कोई सर्वे वगैरह कोई मतलब ऐसा किया है कि कुछ लाइक माइंडेड जो है वो मिले? सर्वे सारे कश्न सर्वे कर माइंडस मे दिलस मज, क्या पत्मो शेठो वो पो सर्वे ही करा या कर नौजवान लाशन सर्वे, तुम चुना पाई वनु त How many are unknown graves? Nobody knows. एक लाख 20,000 यूथ कुर्बान हो गया, शहीद हो गया, जिम्मेवार को ना तो आपके पिता ना तो मेरे पिता, लेकिन इन लोगों के माता पिता जो ये सियासतदान थे, अक्षवाना मीनिस मजमूचा जी, ब्याक्षवाना मीनिस मजमूशियत। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री पॉलिसी लागू नहीं है, जिम्मेवार कुछ। जम्मू कश्मीर का रोज यूथ बेरोजगार, जिम्मेवार कुछ। आज ये नौबत आई जम्मू कश्मीर का यूथ पीजी करके मसाल चोट करा सिग्नल पे। ये सब तुम मैकेनिकल इंजीनियर बने द्रो तुम गो पत तुम करो कि ये महज तुम गो बॉलीवुड में। जी जी जी। तो पत ये साथ हम तुम घर के पता लग तुम्हारे वाले दिन जिब्रान ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, जिब्रान पॉलिटिक्स करना चाहिए, इनका रिएक्शन क्या रहा? उनको पहले मजाक लगा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। तो बोस उस बात क्या मैं तो माफला तो तू काला पर लोग उस बात की मुझे बोला ये क्या कर रहा है तू, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर दो तीन दिन में और गया, मतलब मोहल्ले मोहल्ले लोगों के मसले लिखने, आपको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने भी मुझे मजाक में ले लिया, कुछ कैसी आज टाइम उसका दरवाज पर दरवाज घूम तू ये मजे सा कुछ ईद गह मज कुछ मस्जिद मज तो कराया तो बयाना वयाना तो वथान नहीं आना या इस कुछ खड़ पेट सिंह घरस मज गसान ती उस आसा अली का तो सोल का सिंह घरस मज गसान ये मज ती गसान आम लोगन इस पब्लिक अस निश के इन फील्डस मज रोता है तो पूछे हम मैं करहा एक चीज से शुरुआत बूछा मसाइल शाकिर साहब उस कहते छ मसले बका रही हाल बकस कुन डिपार्टमेंट इस बवसन खालिद साहब बूछन बैक साहब ये आईडिया कैम देता है। देखिए ये आईडिया एक मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूं, मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग इंसान इसलिए करता है ताकि वो कोई सोल्यूशन ढूंढे।
अगर 100 रुपए की चीज है वो 80 रुपए में कैसे बने। इंजीनियर इंजीनियर महमूद अली मिर्जा जनाबी मोहतरम मखसूस अंदाज मैकेनिकल इंजीनियर दीनी दावत करें मगर हाँ हाँ वो भी सोच रहे हैं किस तरह से इन्फ्लुएंस अच्छा करें। तो इंजीनियर का हमेशा माइंडसेट ये होता है कि कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे में ये चीज कैसे बने। तो मैंने भी एक शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढा कि कैसे मसला हल हो जाए। मैंने एक सिंपल सा एल्गोरिथम डिजाइन किया कि अगर मैं लोगों के पास गया, मैं डिपार्टमेंट के पास गया, फिर मैं वापस लोगों के पास गया, फिर रिएक्शन देखा, तो इट वेंट गुड। अथ मैं खास राय जबरान ऐसा इत प ना ना कोई नहीं नो बड़ी और अगर इसके बाद कभी भी ये पार्टी आवाम के फला और बहबूदी के खिलाफ जाएगी इंडिविजुअल पर्सन ठीक जो काम करता है। मैं आज भी आपको ये बात बोलता हूँ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसका लीडर असल आसे, वी शुड वोट फॉर दैट लीडर, नॉट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख तंजीम आप शेख अब्दुल्ला ट्रू मैं सैल्यूट करता हूँ शेख अब्दुल्ला को, ना कि फारूक अब्दुल्ला को, ना कि उमर अब्दुल्ला को। अच्छा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला साहब ने शख्सी राज को खत्म किया। तुम रूद तुम गए खुदाए सवाल, मगर कमन तोग नहीं बनाव ब्रोट कहन तोग नहीं ब्रो फारूक सुबह बड़गाम गांव उमर अब्दुल्ला दीर कस गांव ऐर चौन खोड़ पेचन नाव जीवान वो गोडनिच कहान पॉलिसी बनाव गरीबस दिमो लोन यह कर बिजनेस पे बैंक पे गैंक झाँ तेज मॉर्टगेज मैं गोसु गरीब तेल अमीर अगर आप गरीब तुम जमीन सू क्या थे गिरवी देर शुड बी सिंपल प्रोसेस थ्री स्टेप लोन हूँ आसिफ यह बागात रोजान अमिश पर्च यह चूर डिपार्टमेंट मेंटर हेल्प करें कट फार्म त्रन गाय फार्म त्रन मशरूम फार्म त्रन सब्जी फिश फार्म मुख्त मेंटर अगर मेंटर सुन नफर एक्सल कर नौजवान पत्मे त्रुह वर्य पे जनाबी मोहतरम जना मैं आपको एक बार बताऊंगा मतलब ये मेंटल स्ट्रेस लगभग जो ढाई हथ लीडर सियासत बिल्कुल नफर हाथन गुजरो सैक्रिफाइसस मज बेरोजगार परेशान यम सुसाइड कोर ये डाटा दियो मैं कड़ित बत्र सियासत उमर सोब नेचू परा मलेशिया पान पर बॉम्बे अगर उमर सोबस मोल चीफ मिनिस्टर उस तेम कैसे पोर बॉम्बे। इसका मतलब आपने जो रोटी बनाई उस रोटी पे आपको भरोसा ही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी सोनवार मगर तेम पोर बर्न हाउ क्यों आपने प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा सपोर्ट किया आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना था। आप बीमार हुए तो एम्स बीमार थे आज भी आप मेरे साथ बरजुला हॉस्पिटल आओ देर आर ओनली टू और थ्री एक्सरे मशीन बिल्कुल जबकि कश्मीर की पॉपुलेशन 90 लाख है दान सासन दोन अर्ज फुटा त्रे मशीन क्या कर वो ब्या कर ये तु बरजुला हस्पताल नबर कह नीर उस तुम प्राइवेट क्लिनिक तमें शे मशीन मनो वन प्राइवेट बोर्ड कि गवर्नमेंट बोर्ड अगर अशीर मज कुल लाग ये मौसमी हालात तिथि ये खच कुल दस्ती शब अत लगन 10 वरी यह बिहल त्रा कुछ शत नमत मे जबरान डा जायो
कि ऐसा बनाओ इंडस्ट्री पॉलिसी, ऐसा बनाओ जूस, जूस फैक्ट्री त्र सू त्रो एक सियासत दान लोकल त्रवि तेज पानस रंग रेट फैक्ट्री अख सेकंड सू तेम सी फैक्ट्री अमीर गुना अमीर गो अमीर गरीब थोक चूंट वालस जनाब आप मेरे घर से जब बाहर निकलेंगे ना जी हैदरपुरा ट्रैफिक सिग्नल आएगा बिल्कुल आएगा दाएं तरफ बाएं तरफ पेट्रोल पंप है और दाएं तरफ एक मसाले वाला बैठता है बिल्कुल है उससे सवाल करना वो मसाले वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पीजी होल्डर है बिल्कुल ऐसे है और यहाँ कहीं ड्राइवर और मसाला ड्राइवर्स यहाँ पीजी करके हैं ऑटो ड्राइवर छोड़िए मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में एक बस नंबर आती थी बस नंबर 9 तो ताकि उस ड्राइवर तो कंडक्टर ओस तो मुझे दोनों ग्रेजुएट तो बस स्टैंड सोवरे नाव ग्रेजुएट मिनी बस एसोसिएशन स्टैंड अभी भी है वो सोवरा में जी 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 तुम्हें तमाम ग्रेजुएट तुम्हें नौकरी तुम आए टाटा माजदा ये सही बात है हम जवार कहते हैं कि आप गवर्नमेंट नौकरियां दीजिए हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज हैं उनको जो है देखिए जम्मू कश्मीर टूरिज्म है बिल्कुल जम्मू कश्मीर बड़ा सेक्टर है यहाँ इन लोगों ने होटल्स की परमिशन रोकी बिल्कुल है ना इन लोगों को गवर्नमेंट को अपने अपने होटल्स बनाने चाहिए आप देखो संतूर को आम कौशल का भरा तेज भरन अंदर अगर आम कौशल दिवदोर या डून हचू बेड थे घर मे तेज भरन अंदर नीतो कहते सियासतदान घर बेडरूम बच्चे को चाहिए था स्पोर्ट्स ग्राउंड बिल्कुल लेकिन इनको रास्ता दिखाया गया मालगुजार का जमीन नहीं सही मलखा आप सोरी यूथ यूथ निश भरित बिल्कुल उसमें सारा यूथ दफन है 120,000 यूथ मलखा के मालगुजार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कहां है तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट क्लब एसोसिएशन का फंड कहां गया 500 करोड़ गिंदुक बैट बॉल आज भी मैं अगर यूथ को बोलूंगा जम्मू कश्मीर क्रिकेट क्लब एसोसिएशन जो है शेरी कश्मीर पार्क है इनका ख्वाब आज भी है शेरी कश्मीर पार्क के ग्रास पर हाथ लगाने हम ये मान के चलें कि सपोर्ट्स भी एक फैक्टर है मैटर मेजर फैक्टर मेजर अच्छा मेजर एक स्कूल बनाने से पहले स्पोर्ट्स ग्राउंड पहले बच्चे का एक मेंटल हेल्थ जो फिट रहे उसके बाद वो स्कूल जाएगा जिब्रान सवाल मेरा यह है कि एक तो मेंटल स्ट्रेस दूसरा ये नशे की वबा ने जो है नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद करके रखा है जब आप एक बच्चे को ग्राउंड नहीं दोगे वो किसी भट मकान में जाएगा वो किसी खंडर में जाएगा वो पाइप में जाएगा वो रेलवे ट्रैक पे जाएगा और ड्रग करेगा अगर आप उसको ग्राउंड दोगे वो क्रिकेट खेलेगा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट खेलता है फुटबॉल खेलता है कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है उन पे कभी भी शक नहीं करना क्योंकि वो ड्रगिस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलता है आप खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे yes, मैं रहा हूं आई हैव प्लेड आप किसके लिए क्या करेंगे देखिए सिंपल सी बात है अगर जम्मू कश्मीर के बच्चे के ग्राउंड बनाने में किसी पंचायत का घर आएगा किसी पंचायत वाले का घर आएगा किसी पुराने पॉलिटिशियन का घर आएगा अगर मेरा घर आएगा मैं खुद जेसीबी चलाऊंगा ग्राउंड वही बनेगा जहां जम्मू कश्मीर का बच्चा उंगली रखेगा और अगर वहां पे कोई घर आ रहा है जब उसको मैं डिमोलिश करके 50 के बजाय 60 लाख दूंगा कंपनसेशन करूंगा अच्छा कंपनसेशन करूंगा उसको लेफ्ट और राइट में जमीन दे दूंगा लेकिन ग्राउंड वही बनेगा जहां पे रिक्वायरमेंट है अब कोई बहाना ढूंढेगा यहाँ पे दरिया है यहाँ ग्राउंड कैसे बनेगा अरे जब दरिया के ऊपर फ्लाईओवर बन सकता है ग्राउंड आप चूंकि पॉलिटिक्स में इस वक्त आए हैं तो आप हर जगह घूम रहे हैं हर जगह जाते हैं क्या लग रहा है कि आपको कितना सपोर्ट मिलेगा तवक्कुल पे आपको यकीन है ना मैं किसी को मफलर डालता हूँ ना मैं किसी को टोपी पहनाता हूँ तवक्कुल वोट पड़ेगा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ेगा तो फिर से कोशिश करेंगे तो जिब्रान डार को हार कबूल आई विल रन दिस आप कोई और रास्ता नहीं चुनेंगे यही रास्ता चुनूंगा मतलब तो फिर ई ट्रैक्शन डी रेल दिस थिंग विल एंड व्हेन आई विल डाई एंड इट विल गेट कंटिन्यूड बाय समवन हु इज वर्थ बाय समवन हु इज हार्ड वर्किंग इन्होंने नया ड्रामा सीखा है गाय के लिए घास चराई यूथ के लिए मर गुजार तो जिब्रान डार को कोई खरीद सकता है ना जिब्रान डार बिकने के लिए कोई गुड़िया प्रपोजल लेकर जा रहे हैं कहीं पे आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं डिपार्टमेंट देखो उसके लिए डिपार्टमेंट काम करता है आई एम एन एजुकेटेड पर्सन और मैं लोगों की आवाज हाई लेवल पे करना ना तो सुनगा सर उस पर नौबत ही नहीं पड़ती है अच्छा डिपार्टमेंट इंजीनियर बैठे हैं वो काम कर रहे हैं आई अप्रिशिएट दोस डेली वेजर्स दोस जेईस एडब्ल्यूईस एईस एक्सन चीफ इंजीनियर बस अपनी अपनी पहुंच वहीं तक अगर आज तक आपने मान लीजिए 100 मसले कंसर्न जो एजेंसी से मैंने लगभग 1600 मसले चलिए 1600 मसले आपने उनकी नोट्स बनाए कितने हल किए 1600 में से ऑलमोस्ट मैं 1600 मसले हल किए हैं मैंने जी अब तो वंशी कोश द्राल का पहुंचने वहां सुम मसलो थी मैं पानी लड़ाई का सा सुम मसलो थी मैं अब ये समझो मैं गाँव का मुखिया बन गया हूँ अच्छा मतलब लोग आते और अच्छा लगता है मुझे आत्मा
رکن کثیر خرچ لگان تچ پون جے واتن فیول چھو پن یم زن پی او سی او پی ایس او سی من چھ کھاون یا کن ساتھ کا مہمان یم یہ کت پچن بو چھ تمام رنگ بچت بوجو گڑ کات بریک فاسٹ تو گیری کرا کن ساتھ کران تو کن ساتھ کی دولک بات چھس بو کھما پنس پلس شام اس ڈنر گیری کرا مول چھ مان چھ پگا گسی ٹرانسفر چھ سوز پدر پی ایس او ہا کا کو دوسرا پی ایس او آ جائے گا بچھو اللہ تعالی چھ رزق دین وول تیل چھ کن جے تاہری پھولا بنان سو کھوان حلوا تیل لگان ریتس روپیس 30,000 اگر ترین ورین خرچ روپیے 9,00,000 یا 8,00,000 تیل لوگ تیوت اس جبراندار زیونمت باقی میں اپنے فادر یا مدر سے کوئی پیسہ نہیں لیتا جو میں نے کمایا ہے وہ پیسہ میں اس میں لگا نہیں پارٹی کی طرف سے ناٹ ایون اے سنگل روپی ناٹ ایون اے سنگل ہارڈ ورکس نیور گیٹ ویسٹ وقت لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس چیز میں وقت لگتا ہے وہ چیز بہتر ہے. جو لوگ دعوے کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ عام آدمی کے پارٹی کے مختلف جگہوں پہ کبھی ان سے بات ہوئی آپ کی کہاں پہ مختلف ایریاز میں ہیں بارہمولہ میں ہیں بات کشمیر کی بات کر رہا ہوں ان سے میری روز بات ہوتی ہے میں اچھا کروں گا اب آپ تک ہے آپ اڈاپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے دیٹ از یور چوائس فیڈ بیک کیا ہے آپ کو لوگوں کا ان کے بارے میں دیکھو بہت سارے لوگ ہیں میری پارٹی میں who are not doing work as per that level. When I try to teach them. اچھا کوشش کرتے ہیں. ہاں کوشش کرتا ہوں. اب ان کو اس ٹینکی میں پانی نہیں چاہیے میں کیا کروں. صحیح بات. مجھے اپنا کام کرنا نا. تو آپ چاہے دیکھو میرے کو پہلے ذمہ داری تھی چھان پورا کی. بہت گڑ گڑا چھان پوچھ کیا کہ بچوں زام ہوتا ہے جی میں چھو دفعہ دیتا جی گسوں مگر وان چھو کات اکھ چیز بچوں ونکس پور کشمیر اس کا کر خصوصاً سینٹرل کشمیر کی بات کرتا ہوں خصوصاً پارلیمنٹری سیٹ جو سینٹرل کشمیر ہے اس کی بات کرتا ہوں لاسٹ میسج میری میسج جموں کشمیر کی پبلک کو یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے جبران ڈار از ورتھ فار دا سینٹرل پارلیمنٹ سیٹ اپنا قیمتی ووٹ جبران ڈار کو دو اگر آپ کو لگتا ہے میں اس قابل نہیں ہوں جو رات کو بھی دوپہر میں بھی آپ کا کام کرے جو آپ کی زبان بن کے پارلیمنٹ میں جائے جو آپ کے مسئلے حل کرے جو آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے آپ کی بہن کو اپنی بہن سمجھے اور جو جموں کشمیر کی فلاح اور بہبودی کے لیے بات جو دلی میں ناٹ کباب نہ کھائے اپنے گھر نہ بنائے جو شہر میں اپنے اپنے گھر نہ بنائے حق اور حلال کی بات کرے پارلیمنٹ کی دیواروں میں گجائے انسان کو آگے کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا چہرہ ایسا ہے وہ چاہے جبران ڈار ہو جو بھی ہو تو آپ کو عوام کو اس کو چن کے آگے لانا چاہیے شکریہ جبران آج کے لیے بس اتنا ہی جب تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہم یوں ناصر